संस्थान रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तथा मानवता के लिए संघर्ष करने वाले संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। पूज्य भंते चंद्रमा जी, राज्य मंत्री श्री पारसनाथ मौर्य जी, डेस्क पर बैठे साथीगण, उपासक उपासिकाओं, मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही कह दिया। बेसिकली मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ और बहुत ज्यादा स्पीच नहीं देता, न दे पाया अभी तक, प्रयास वो नहीं है मेरे उसमें, प्रैक्टिस नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी बात कहने की आप लोग के लिए। तो जो आज का टॉपिक है कि बाबा साहब का सपना बुद्धमय भारत, बाबा साहब के बारे में सभी लोगों ने बताया, हम लोग जानते भी हैं, बुद्धमय भारत ही क्यों बाबा साहब का सपना, एक विषय है, ये निकल के आता है। तो बुद्धमय भारत इतिहास के पन्नों में स्पष्ट है, बुद्ध का जन्म, भारत के बुद्ध का उदय, ये बुद्धिज्म का उदय भारत से हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध आज से 2500 साल पूर्व, इनको कहा जाता है 28वें बुद्ध थे, इनसे और पूर्व 27 बुद्धिस्ट बुद्ध लोग हो चुके हैं, बुद्ध हुए। हमारे पास इतिहास के प्रमाणों में तथागत बुद्ध से अब तक का हम लोग को जानकारी है, और जो पहले 27 बुद्ध हुए हैं उनका भी, उनके भी नाम इतिहास में दर्ज हैं, उनका डिटेल नहीं है, नष्ट कर दिया गया। तो ये भारत बुद्धमय था और इस बुद्धिज्म का उदय भारत से हुआ, विश्व के कोने कोने में गया। कुछ कारणवश, कुछ विदेशी ताकतों के माध्यम से, आर्यंस के प्रवेश के बाद बुद्धिज्म पर कुठाराघात हुआ। तो बेसिकली जो बात चल रही है, बुद्धिज्म क्या है, बुद्धमय क्यों, जो बाबा साहब की भी सोच है, बुद्धिज्म मींस प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, आचरण, धम्म, टू इंप्रूव योर ब्रेन। बेसिकली कहा जाता है बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म का जो मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है, मानव को मानव से जोड़ता है, मानव को मानव के बीच में रिश्ता बनाता है, यही सबसे बड़ा रिश्ता है। आज हम यहां बैठे हैं, आज इस सम्मेलन में, इस प्रोग्राम में, जेएनयू में मैं आया, केवल मानवीय रिश्तों की वजह से, मानवीय कॉल की वजह से, आपके ऑर्गेनाइजर्स की वजह से हम आपके बीच में संभव हो सके। आज हम जो भी कपड़े पहने हैं, आज हम जहां भी हैं, ये केवल मानवता का ही विकास है, मानवता के सोच की वजह से ही इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, ये मानवीय सोच है, मानवीय डेवलपमेंट है। तो इंसान के विकास की वजह से ही, ये मानवता के विकास की वजह से ही आज व्यक्ति विश्व में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, एक केवल मानवीय दृष्टिकोण। और दूसरे धर्म ये कहते हैं, दूसरे धर्म का सोच ये होता है कि मानव को भगवान से जोड़ते, जिसको किसी ने नहीं देखा। परिकल्पनाएं कल्पनाएं बहुत सारे लोग करते रहते हैं भगवान के बारे में, लेकिन जानता कोई नहीं। बुद्धिज्म
केवल मानव को मानव से जोड़ता है, मानवता का मैसेज देता है, इंसानियत का मैसेज देता है। और ये मैसेज में क्लियरिटी और क्रिस्टलिटी केवल केवल ब्रेन से आती है। वो है आपका आचरण, आपका सोच कैसा है, आपका बात करने का ढंग कैसा है, आपका बोलने का बात आप बोलने का आप कैसे करते हैं, आपका एक्शन क्या है किसी बात के प्रति, अष्टांगिक मार्ग है। आपका बोलना, आपका बात करना, आपका बैठना, आप कितना कंसंट्रेट करते हैं किसी मैटर के प्रति, कितना रिएक्ट करते हैं, यही आचरण है, यही धम्मा है, यही बुद्धिज्म का मैसेज है। You purify your brain, you prove yourself. आप अपने को लाइट रखिए, अपने को हल्का रखिए और मानव को मानव से जोड़िए। यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे वृद्धों में कोई अंतर नहीं है, यही समानता है, यही समता है, यही स्वतंत्रता है और यही जयपुरी वर्ग है। हमें रास्ता कहीं दूर नहीं खोजना, रास्ता हमारे पास है, हम ही अपने रोड़े हैं। हमारे सामने विषम परिस्थितियां हैं, हम बहुत सारी चीजों में पीछे हैं, वो इसलिए है हमारा मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, हम अपना सोच सही डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने को बौद्धिक नहीं बना पा रहे हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है, यही हमारे सारे लोगों की प्रॉब्लम है। हम सब बुद्धिजीवी हैं, टू इम्प्रूव अवर ब्रेन, नथिंग एल्स। तो जो जरूरत पड़ी इसकी, हमारा भारत जो है ये बुद्धिमय था, लोग बराबर थे, सब समानता थी, भाईचारा था, बहुत ज्यादा अमनचैन था, ये पूरा विकसित देश था, पर्यावरण की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पशु पक्षी इंसान सभी लोगों में तालमेल था। विश्व की जितनी अच्छाइयां, जितनी मानव के मानवता के उसमें हो सकती है, वो सब भारतवर्ष में थी। तो ये भारत जो है बुद्धमय था, लेकिन आर्यंस ने आकर के अपनी छल कपट नीति के माध्यम से चोरी चकोरी गुंडागर्दी अय्याशी के माध्यम से यहाँ की स्त्रियों और पुरुषों पर अत्याचार किए और यहाँ के लोगों की धन धरती व्यवसाय शिक्षा यहाँ के मूल निवासियों से वंचित कर दी गई, उनसे छीन ली गई और बलपूर्वक उनको गुलाम बना लिया गया। और धीरे धीरे हजारों साल की प्रैक्टिस के बाद वो लोग मानसिक गुलाम, इस पूरे विश्व में सबसे खतरनाक गुलामी अगर कहीं कोई होती है तो मानसिक गुलामी है। हर चीज से वंचित हो जाता है, उसको खुद भी नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, कहां जाना है, क्या मेरा सम्मान है, क्या अपमान है, नहीं पता चलता उसको। मेरे इस देश के मूल निवासियों को ढकेल दिया गया ऐसे रास्ते पर, मेरे सारे लोग बुद्धिस्ट थे, सारे लोगों का सोच बुद्धिस्ट था, बीच बीच में संत महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने बुद्धिस्ट मैसेज दिए, संत कवि उनकी सारे मैसेज, उन्होंने कहा हम रोए जग हंसे, यहां के मूल निवासी रो रहे हैं, बाकी लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक्सट्रीम एंजॉय कर रहे हैं। ये छल कपट की राजनीति से, छल कपट के इससे यहाँ की सांस्कृतिक विरासत ध्वस्त कर दी गई, यहाँ की सामाजिक विरासतें ध्वस्त कर दी गई, यहाँ का पॉलिटिकल तंत्र जो भी था, लोकतंत्र जो भी था, वो सब नष्ट कर दिया गया। तो संत कबीर कहते हैं हम हंसे, हम रोए जग हंसे। उन्होंने उसके पीछे मैसेज दिया अपने मूल निवासियों के लिए कि ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ये बुद्धिस्ट मैसेज था, ऐसे काम करो, मानवता के प्रति समर्पित होकर काम करो, अपने भाइयों की आंखें खोलो जिनकी आंखें नहीं खुली हैं, ऐसे काम कर दो कि तुम जब जाओ, तुम्हारा जब अंत हो, ये सब आपको महसूस करें, एक महान व्यक्ति, महान सोच,
मनाना का सोच, बौद्धिक सोच हमारे बीच से जा रहा है। तो कहने का मतलब गौतम बुद्ध का मैसेज, आपका संत कबीर का मैसेज बुद्धिस्ट मैसेज था, आजीवन संघर्ष किया, जितनी शिक्षा थी जैसे कर सकते थे वैसे किया। संत रविदास ने उन्होंने भी पूरा इस पाखंड अंधविश्वास सबके विरोध में उन्होंने काम किया, मानवता के सपोर्ट में काम किया, बुद्धिस्ट के मैसेज को दिया। उन्होंने कहा मन चंगा तो कठोथी नहीं गंगा, अगर मन साफ है तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, कहीं दूर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। टू इंप्रूव योर ब्रेन, टू प्योरिफाई योर ब्रेन, जितनी भी गंदगी दिमाग में है, जितनी भी गलत धारणाएं हैं, गलत कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको दूर कर दो। दैट इज द बुद्धिस्ट मैसेज उन्होंने दिया। ज्योतिबा फूले जी उसके बाद आए, बहुत सारे संतों ने जन्म लिया है। ज्योतिबा फूले जी आए, ज्योतिबा फूले जी मिशनरी स्कूल से पढ़ के तैयार हुए और वो समझ में आया, उन्होंने एक मैसेज दिया कि शिक्षा बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना मध्य गई, शिक्षा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो शिक्षा बिना गति गई, गति मीन्स आपके मूवमेंट, आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान सब चला जाए अगर शिक्षा नहीं आपके पास। तो गति बिना शिक्षा बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति मीन्स प्लानिंग ऑफ द ब्रेन, आप किसी काम को करने की प्लानिंग करते हैं और सब करते हैं वो भी सब चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और नीति बिना मध्य, नीति बिना मध्य गई, आपकी मध्य मारी गई, ब्रेन से ठस हो गए, आपको पता ही नहीं चलता, कोई आदमी आपके सामने कुछ कह रहा है फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो ब्रेन का चलायमान जो ब्रेन की गति है वो बस नष्ट हो गई आपकी। और मत बिना अर्थ गया, जब आपकी मति मारी गई तो आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी जो आर्थिक स्थिति है धरातल पर चली गई, एकदम नीचे चली गई। अब आप अपना पेट भरने लायक भी नहीं रह जाते, उसके बाद अपने परिवार का पेट भरने लायक भी नहीं रहते। और अर्थ के बिना, इन सारी चीजों के बिना आप मन से गुलामी के शिकार हो जाते। तो ये मैसेज था ज्योतिबा फूले का, that is the Buddhist message, improve yourselves, educate yourselves and apply your brain to everywhere, अपने ब्रेन को हर जगह लगाइए, वैज्ञानिक दृष्टि से लगाइए। और ये सब बाबा साहब के मार्गदर्शक थे, बाबा साहब इन्हीं को अपना गुरु मानते थे। बाबा साहब भी बहुत विषम परिस्थितियों में बहुत कठिन परिश्रम के साथ अध्ययन किया, अध्ययन ही नहीं किया, विश्व स्तर का अध्ययन किया, विश्व के लोग आज भी उनके लिए नतमस्तक होते हैं। और इतना सबको शिक्षा शिक्षित होने के बाद वो गांव देहात में उन लोगों की आवाज बने जिनमें आवाज नहीं थी, उन लोगों को मैसेज दिया, उन लोगों को भाईचारे का मैसेज दिया कि आपस में जोड़ो, आगे बढ़ो, टू इंप्रूव योरसेल्फ, टू इंप्रूव योर ब्रेन, अपने आचरण सुधारो, अपनी गंदगियां दूर करो, अपने को पहचानो, आपस में जोड़ो, नेटवर्किंग इंप्रूव करो, टू होल्ड दिस। तो कहने का मतलब यह है कि बुद्ध में भारत था, बाबा साहब का सोच उसी से था, क्योंकि हमारा हमारी जो कल्चर थी उसे नष्ट कर दिया गया था। हम पुनः अपनी पुरानी कल्चर में, हम बुद्ध में भारत की कल्चर में वापस जाने के लिए बाबा साहब ने एक नई स्फूर्ति दी हमारे लोगों को जो भटक गए थे। जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म दीक्षा ली तो कहा था, भक्त लोगों से कहा था कि मुझे चलायमान भिक्षु लोग चाहिए, मैं अपने लोगों को अपने पुराने टूटे फूटे उजड़े घरों में वापस भेज रहा हूं, मेरे लोग जा रहे हैं, इनके घरों को उजाड़ दिया गया था, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनके घरों को बसाना, उसको मजबूत करना और भाईचारे का मैसेज देना, ये बुद्धि का मैसेज था। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने इवन आज की तारीख में बुद्धिस्ट जो है बहुत तेजी से पूरे भारतवर्ष में पुनः वापिस आ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो जिन चीजों का लोग परहेज करते थे
जिन चीजों का नाम लेने में लोगों को दिक्कत होती वो राजस्व में दर्ज कर दिए गए, नए नए जिले बना दिए गए, नए नए भवनों के नाम दे दिए गए, नई नई तहसीलों का नाम दे दिया गया। और आज वो जनमानस को, चाहे वो किसी व्यवस्था का हो, हिंदूवादी व्यवस्था का हो, चाहे किसी व्यवस्था को, उसको भी वो सारे नाम लेने का लेने की बात हो। आज